तो कैनवा मैंने आप लोगों को बताया था, बट कैनवा में आप लोगों को मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट बताया था। इसमें सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं, जीआईएफ भी बनता है, वीडियो भी बनता है, रिज्यूम भी बनेगा, और आप जो प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी बनाते हो तो वो भी यहाँ पे बन जाता है। तो मैं आज एक साथ ये सब कुछ आप लोगों को बता रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को दे रही हूँ टास्क। तो यहाँ पे अगर आप क्रिएट डिज़ाइन पे जाते हो, तो क्रिएट डिज़ाइन पे आप लोगों ने कल इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था जिसमें सब ने बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस बनाई थी खुद के बिजनेस की। अब खुद के बिजनेस का अगर मुझे वीडियो बनाना है तो वो कैसे बनाया जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, देखो ऑप्शन बहुत सारे हैं। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई थी वैसी फेसबुक पोस्ट बन सकती है, या इंस्टाग्राम स्टोरी भी बन सकती है। सबको इंस्टाग्राम स्टोरी तो पता ही है, ठीक है, लोगो हम लोगों ने देखा। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो वो भी यहाँ से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ले रही हूँ, वीडियो, क्योंकि इतना बताना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप लोगों को खुद को एक्सप्लोर करना है। होता सेम ही है, अगर आप उसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं वीडियो पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप लोग अपने बिजनेस का वीडियो बना सकते हो, ठीक है, अपने बिजनेस का कोई भी एक वीडियो बना सकते हो। तो वीडियो का साइज भी आ जाता है यहाँ पे, जो साइज नॉर्मली वीडियो का होता है। जीआईएफ अलग है, वीडियो अलग है, जीआईएफ बनाना भी सिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब वीडियो कैसे बनाते हैं, तो वीडियो के लिए सेम आप लोगों को यहाँ पे सर्च में जाना है, और सर्च में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपने सर्विसेज के हिसाब से टेम्पलेट्स को सर्च करोगे, वैसे ही यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट या आईटी सर्विसेज से सर्च करूँगी। तो जो भी वीडियो आपको मिलेगा आप वीडियो का टेम्पलेट लेके बना सकते हो, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद ही उसको नए तरीके से भी बना सकते हो विदाउट यूजिंग टेम्पलेट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक वीडियो फ्री में है, ये दिख रहा है एक वीडियो। फिर उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, है तो भी फ्री वाले वीडियो बहुत सारे हैं। हाँ है, ठीक है। तो ये मैं एक वीडियो ले रही हूँ, ठीक है, इसको क्लिक करती हूँ। तो क्लिक करने के बाद इसके साथ मुझे कितने पेजेस मिल रहे हैं? चार। जरूरी नहीं कि सारे टेम्पलेट के साथ आपको चार पाँच छः पेजेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे ये सारे पेजेस लेना है तो अप्लाई ऑल कर लो, या अगर एक एक पेजेस लेना है तो एक एक पेज भी आप ले सकते हो। तो मुझे चारों पेजेस चाहिए, एक और एक्स्ट्रा का पेज भी मैं ऐड करके आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ये पेजेस से ही बनेगा। अगर आपको लगता है कि पूरा एक वीडियो ऐसा रहता है, नहीं, वो कब होता है, जब आप पूरा कंप्लीट वीडियो बनाते हो तब वो वीडियो बन जाता है पूरा एक। बट सबसे पहले अगर आप टेम्पलेट लेते हो तो टेम्पलेट के हिसाब से आपको पेजेस ही मिलते हैं। अगर मैं अप्लाई ऑल पेज पे क्लिक करूँगी तो सारे जो पेजेस है वो मेरे पास आ जाएंगे। ये देखो, 1 2 3 4, जितने पेज नीचे में आप लोगों को दिख रहे हैं। तो पहले वीडियो में क्या डालना, वीडियो का स्टार्टिंग कैसे होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप वीडियो का स्टार्टिंग ही सर्विसेज से डाल दोगे तो किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो वीडियो का स्टार्टिंग इतना इंपॉर्टेंट होता है जिससे लोग आपके वीडियो को देख सके। तो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले होना चाहिए टाइटल। क्या होना चाहिए? टाइटल। तो वो टाइटल क्या है, जैसे अब स्काइप देखते हैं, स्काइप में यहाँ पे, ये अभी लेटेस्ट में मृणाली ने भेजा है, ठीक है, ये मृणाली के रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो उसका लोगो लगेगा, ठीक है, वो क्या सर्विसेज करती है उसके रिलेटेड एक इमेज लगेगी, एंड टाइटल लगेगा कि वो क्या है, वो क्या है, वो एक वेब डेवलपर है, डिजिटल मार्केटर है, या क्या है, वो बताना पड़ेगा। बेटा स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक करते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये आपको वीडियो में डालना है।
तो वीडियो में सबसे पहले अगर आप लोगो को मेंशन करोगे, लोगो, ब्रांड लोगो, वो बहुत इफेक्टिव वीडियो बनता है। तो लिखो कॉपी में वीडियो एडिटिंग। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन फर्स्ट स्लाइड, सब फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड, ये ऐसा लिखना है आप लोगों को। वीडियो एडिटिंग, ठीक है, उसमें फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट स्लाइड पे क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्लाइड पे लोगो या पर्टिकुलर इमेज, लोगो या पर्टिकुलर इमेज, एंड उसी फर्स्ट स्लाइड में होना चाहिए टाइटल। उसी फर्स्ट स्लाइड में होना चाहिए वेबसाइट। ये होना चाहिए फर्स्ट स्लाइड में। अब देखो, हो गया लिख के, अब देखो। तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में ये वीडियो है, बट ये वीडियो नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक लोगो आ जाए, तो मैं इसको हटा देती हूँ। हटा दिया। कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छे लगे, आपको अगर चेंज करना है तो आपको अच्छे से पता है, इसके ऊपर क्लिक करो, फिर यहाँ पे कलर से आप कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर चाहिए वो। यस है, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हो। तो मैं कलर चेंज नहीं कर रही हूँ, मुझे वही कलर चाहिए। बट अभी मुझे यहाँ पे क्या डालना है, एक लोगो डालना है। जिसके भी सर्विसेज के रिलेटेड बना रहे हो, उसका क्या करना है, लोगो डालना है। तो सबसे पहले मैं गई एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स में मैं यहाँ पे सर्च कर सकती हूँ फ्रेम, ठीक है, फ्रेम। तो फ्रेम आप इसलिए लेते हो ताकि आपका जो लोगो है वो प्रॉपर उसी पोर्शन में आए। आप सर्कल वाला फ्रेम ले लो या नॉर्मल फ्रेम ले लो, जो भी फ्रेम लेना है। तो अभी दिखाती हूँ कैसा आएगा। मैं चाहती हूँ कि कुछ मैं ऐसी फ्रेम लूँ, या आप लोग ऐसा भी कुछ फ्रेम ले सकते हो। इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, इसको पीछे में डाल देंगे हम लोग। बट सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लोगो। तो कल मैंने किसी का तो भी लोगो अपलोड किया था, एक बार चेक कर लेते हैं कोई लोगो है अपने पास, या आप लोग अपलोड कर लो। हाँ, ये लोगो था, ठीक है। तो ये लोगो था, इस लोगो को मैं यहाँ पे ऐसे पकड़ूंगी और सिर्फ उस फ्रेम में डाल दूंगी, तो ऑटोमेटिकली ये लोगो ऐसा आ जाएगा। बट अभी मुझे बैकग्राउंड रिमूव वाला लोगो नहीं चाहिए, ब्लैक वाला ही चाहिए, तो मैं ब्लैक वाला ही लोगो यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है। बस उस पे पुट करना है। तो जैसा उस फ्रेम का शेप है, ऑटोमेटिकली वो इमेज वैसा उसको कैप्चर करेगा। सर्कल में भी दिखा देती हूँ, अगर मैंने फ्रेम सर्कल लिया, ये देखो, और उसमें मैं लोगो डालना चाहती हूँ या कोई इमेज डालना चाहती हूँ, तो वो उसी शेप में आएगी। अगर मैं ये इमेज डालती हूँ तो देखो उसी शेप में आ गई, आपको अलग से शेप मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं लोगो उसमें डालती हूँ तो इसी इसमें लोगो आ जाएगा, ये देखो। तो फ्रेम का ये बेनिफिट है कि आप फ्रेम अगर सिलेक्ट करते हो तो फ्रेम से क्या होगा कि आपका जो पर्टिकुलर लोगो है या इमेज है, आपको जैसी चाहिए वैसी मिल जाती है। तो मैं ऐसे बैकग्राउंड में लोगो, क्योंकि मुझे ब्रांड को प्रमोट करना है, ये ऐसा मैं लोगो डाल दूंगी। एजेस कटने नहीं चाहिए, जो एजेस होते हैं ना किसी भी इमेज के या किसी भी टेक्स्ट के, वो कट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ये लोगो है, बट इसको मुझे क्या करना है, बैक साइड में डालना है। तो इसको सिलेक्ट करना और इसके पोजीशन, पोजीशन यहाँ पे लिखा है एनिमेट के बाजू में, पोजीशन में जाना
और उसको क्या करना, बैकवर्ड कर लेना। आ गया ये? अब वो लोगो थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा शिफ्ट करते हैं एंड उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ये आ गया मेरा लोगो, मतलब ब्रांड नेम तो आ चुका है। अब सेकंड चीज क्या थी, लोगो आ चुका है या इमेज डाल सकते हो, रिलेटेड डालना है। सेकंड है टाइटल, तो टाइटल हम लोग यहाँ पे डालेंगे कि आप लोग एक डेवलपर हो या कोई एक डिजिटल मार्केटर हो या लोगो डिजाइनर हो, तो ऐसा कुछ एक टाइटल होना चाहिए। तो जैसे कि web dev.in, ये किसी का डोमेन नेम था, ए भी किसका था, आस्था, आस्था 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 का था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसका नाम, जरूरी नहीं है, आपको जैसा का चाहिए आप वैसा लिख सकते हो, आस्था वर्मा, ठीक है। अगर पीएसके का होता तो मैं पीएसके टेक्नोलॉजीज आईटी सर्विसेज ऐसा मेंशन करती, आस्था वर्मा आईटी या वेब डेवलपर, ऐसा मैं मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपकी कोई एक टैगलाइन होगी, टैगलाइन भी बना सकते हो, जैसे कि पीएसके की एक टैगलाइन है कमिटेड फॉर इथिकल वर्क, ये पीएसके की टैगलाइन है। तो अगर आपकी कुछ ऐसी टैगलाइन है या कुछ आप बना रहे हो, क्योंकि अमेजोन की भी है, फ्लिपकार्ट की भी है, जितने भी ब्रांड्स हैं सबकी एक टैगलाइन होती है, तो वैसे पीएसके की भी है कमिटेड फॉर इथिकल वर्क, तो अगर आपकी कोई एक टैगलाइन है तो वो डालो। बट आपकी नहीं है तो मैं इसी टेक्स्ट को एडिट कर रही हूँ और इसमें मैं मेरी वेबसाइट का नाम डाल रही हूँ, दैट इज क्या है, webdev.in, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखना चाहिए, बोल्ड कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे भी आप छोटा लोगो जो भी है डाल सकते हो, जैसे ये जो AV है ना, ये इसका ऊपर का, ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कैसे, सुनो, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, इसको भी डिलीट, इसका लोगो ले रही हूँ, ये लोगो है इसका, ठीक है, ब्लैक कलर वाला लेते हैं, ये लोगो है, मुझे बस उतना पार्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, सर्कल फ्रेम ले लेती हूँ, ये सर्कल फ्रेम लिया, इसमें पहले तो इसको शॉर्ट करती हूँ, और अब इसमें सर्कल में डाल देते हैं, आ गया ये भी। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं एंड ये हो गया यहाँ पे, ये पेस्ट, क्लियर, समझा क्या, ठीक है। बट इसके लोगो में ये वाला कलर है, कौन सा है, थोड़ा सा अलग कलर है, वही अगर चाहिए आपको तो कुछ नहीं करना, जो कलर में चेंज करना वो कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऐसा सिलेक्ट कर रही हूँ, ये कलर ले रही हूँ, कलर में यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर जाती हूँ, प्लस साइन पे जाने के बाद यहाँ पे पिकर है, जैसा मैंने आपको पोस्टर माय वॉल में बताया था वैसा ही, यहाँ से इसके लोगो में ये जो कलर है, बस वो जो बक्सा आता है छोटा सा, उसमें जो कलर आएगा वो अप्लाई हो जाएगा, हो गया। अब वो तो हो गया, बट ये उसके ऊपर मैच नहीं कर रहा, एक काम करते ब्लैक करके देखते इसको, ये ऐसा दिख रहा है, बट नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको करते हैं हम लोग वाइट, ये सोचना पड़ता है आप लोगों को, और टेक्स्ट को कर देते हैं उसके ही कलर के हिसाब से, ये बन गया, समझा क्या इतना, ठीक है। अब सेकंड स्लाइड, सेकंड स्लाइड देखते हैं कि क्या है। सेकंड स्लाइड में ये टीम है उसकी जो भी है, बट अपने पास टीम तो है नहीं, तो ये नहीं लिखना है मुझे। तो बेस्ट वे, यहाँ पे आप लोग अपनी सर्विसेज मेंशन करोगे, सो नेक्स्ट लिखो सेकंड स्लाइड, जो लिख रहे हो उसमें लिखना है आप लोगों को, नेक्स्ट लिखो सेकंड
सेकेंड स्लाइड। तो सेकेंड स्लाइड पे क्या चाहिए? सेकेंड स्लाइड पे सर्विसेज चाहिए, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो, ठीक है, जितनी भी सर्विस होंगी वो सारी सर्विस अगर आपने एक साथ डाली तो भी चलेगी, या एक एक पेज पे डाली तो भी चलेगी, ठीक है, डिपेंड है। ये सारी सर्विसेज एक पेज पे भी चलती है या मल्टीपल पेज पे भी चलेगी, जैसा आपको लगता है, एक पेज पे एक सर्विस कर सकते हो। बट मैं इतना कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मैं एक पेज पे ही सारी सर्विसेज को मेंशन करना चाहती हूँ, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और व्हाट्सअप के स्टेटस पे जाए, या व्हाट्सअप पे अगर मैं मुझे किसी को सेंड करना है तो वो जा सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे तो आप बहुत बड़ा वीडियो डाल सकते हो बट व्हाट्सअप पे नहीं डाल सकते हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सर्विस लेना चाहती हूँ पूरे एक ही पेज में। सेकेंड होता है वेबसाइट, क्या क्या होना चाहिए, एंड थर्ड होगा लोगो। ठीक है, लोगो और वेबसाइट तो हर एक पेज में चाहिए, अब कैसा चाहिए वो भी सुन लो। अब जाते फिर से लोगो में, लोगो में ये ऑफिस ऑफिस क्या है, हटा देते इसको, नहीं चाहिए। बट ये जो इसका कलर था, यही कलर मुझे यहाँ पे चाहिए, तो ये कलर हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो कलर वहाँ पे सेट हो चुका है। ये देखो यही कलर था, वो वही कलर हम लोग फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे क्या चाहिए, तो यहाँ पे मुझे सर्विस चाहिए और लोगो चाहिए। माइक किसी का ऑन है। यहाँ पे सर्विस चाहिए और लोगो चाहिए, तो मैं क्यों 10 बार लोगो को एडिट करते बैठूँ? तो क्या करना, मुझे यही लोगो चाहिए, कॉपी इस स्लाइड से, और सेकेंड स्लाइड में क्या कर देना, इसको पेस्ट। बस आ गया लोगो, जैसे PSK का वो ऊपर का ग्रोथ का सिंबल है, हम लोग मोस्टली टाइम पे वो लोगो हर हर इसमें डालते हैं। आपको वैसा करना है वैसा करो, या ऐसा करना है ऐसा करो, जो भी आपको लगता है, या आइकॉन होता है लोगो का। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं एक काम कर, यहाँ पे ये वीडियो हटा देती हूँ। देखो ये भी फ्रेम था, ये भी फ्रेम है और ये भी फ्रेम है। तो जैसे कि आस्था सर्विस प्रोवाइड कर रही है वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट रिलेटेड ही मैं सर्च कर लूँ, मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे अपन ने ली है कल की, ये इमेज डाल देती हूँ, ये आ गई वेब डेवलपमेंट रिलेटेड इमेज। तो यहाँ पे बस इतना मैं चेंज कर रही हूँ, वेब डेवलपमेंट नहीं, क्या था, वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। तो वर्डप्रेस डेवलपर मतलब अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा, और वर्डप्रेस का जो लोगो है, मैं डिज़ाइन बता रही हूँ, जैसा करना वैसा करो, एक लाइन में डालना डालो, या मैं अभी वो डिज़ाइन के हिसाब से बना रही हूँ। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी वर्डप्रेस लोगो, तो ये वर्डप्रेस का लोगो मिल जाएगा, ये वाला लोगो है, ये वाला वर्डप्रेस का लोगो मुझे मिल जाएगा। इसको इसको कॉपी एंड यहाँ पे जाके डायरेक्टली पेस्ट, कोई वहाँ से लेके उसको डाउनलोड करके नहीं करूँगी। ये आ गया वर्डप्रेस का लोगो। अब भी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वर्डप्रेस डेवलपर। अच्छे से सुनो, किसी को डाउट्स आता है तो प्लीज़ पूछो। ये हो गया। अब देखो मुझे ना एक ही फॉन्ट वॉन्ट चाहिए, तो ये मैं बाकी के सब हटा रही हूँ, सब हटा रही हूँ, नहीं चाहिए, एक ही को कॉपी पेस्ट करके बता रही हूँ, हटा दिया। ये वर्डप्रेस का लोगो थोड़ा छोटा, क्योंकि मेरी सर्विसेज ज़्यादा है, और उसके बाद ये वर्डप्रेस डेवलपर ये ऐसा यहाँ पे आ गया, उसको भी छोटा करना है तो कर सकते हो। अब इसको एक साथ, इसको और इसको एक साथ कॉपी कर लेना। मैंने क्या किया, शिफ्ट की बटन दबाई है और कंट्रोल सी कर रही हूँ, शिफ्ट की बटन दबा के कंट्रोल सी, एंड देन कंट्रोल वी करूँगी फॉर अ पेस्ट। ये आ गया।
तो अपनी जितनी सर्विसेस है देखो, लाइन अलाइनमेंट सब आता है। फिर से यहाँ पे एक और, फिर से एक और, शॉर्टकट तरीके बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हो ना, इसीलिए। हाँ, ये हो गया। अब सेकंड चीज क्या आती है, ग्राफिक्स डिजाइनर। तो ग्राफिक्स का भी एक लोगो सर्च मार लो, है क्या? अच्छा, ग्राफिक्स डिजाइनर। ठीक है, ये वाला एक लोगो दिख रहा है, ठीक ठाक। कॉपी, सिर्फ कॉपी करना है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आके पेस्ट, ये हो गया। इसको उठा और डाल दे इधर, जैसा भी दिख रहा है। फिर उसके बाद इसको चेंज करना है मुझे लोगो डिजाइनर, तो यहाँ पे लोगो डिजाइनर देखते हैं, कुछ तो गलत है। हाँ, ये एक है, लोगो डिजाइन करके कॉपी और इधर आके पेस्ट, बस ये लोगो इधर ऐसा गया। फिर उसके बाद क्या था, डिजिटल। तो डिजिटल मार्केटिंग का तो वैसे कैनवा में भी मिल जाएगा। एलिमेंट्स में चले जाओ, यहाँ पे डालो डिजिटल मार्केटिंग, बस ऐसा करो, मिल जाएगा आप लोगों को, कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। ये देखो, ये डिजिटल मार्केटिंग का ये पकड़ा मैंने और इधर डाल दिया, ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग। अब नाम चेंज कर दो, ये था ग्राफिक्स डिजाइनर, देन उसके बाद लोगो डिजाइनर, कैपिटल स्मॉल बराबर करना, एंड डिजिटल मार्केटिंग। कुछ लोग फॉन्ट में बहुत स्पेसिंग दे रहे हैं, स्पेसिंग प्लीज बेटा मत दो। ग्राफिक्स डिजाइन, और ये देखो, अब जैसे ये ग्राफिक्स डिजाइन का जी कैपिटल नहीं हुआ तो जी कैपिटल कर लो, ये आपको ही देखना पड़ेगा। अब सुनो, लोगो तो डाल दिया, सब कुछ कर दिया, सर्विसेज बता दी, बट इसकी हेडलाइन तो बतानी पड़ेगी। तो मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर रही हूँ, शॉर्टकट चीजें यूज करो एंड सर्विसेस, ठीक है? सर्विसेज डाल दिया, इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा और बड़ा, और इसका कलर चेंज, ज़्यादा कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसका कलर वाइट कर देती हूँ ताकि ये उठ के दिखे, हो गया। बट लिसन, अब मुझे क्या करना है, ये जो लोगो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना है, तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एडिट फोटो में जाओगे, एडिट फोटो में जाने के बाद यहाँ पे फिल्टर्स अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है, आप यहाँ से उसके फिल्टर्स में भी चेंजेस कर सकते हो। ये देखो, नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा, वो फिल्टर्स अवेलेबल है, फिल्टर्स को चेक करोगे और ये जितने भी फिल्टर्स हैं आप फिल्टर्स लगा सकते हो। फिर उसके बाद अगर इसको कुछ एनिमेट करना है तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना, ये एनिमेट लिखा है, एनिमेट पे चले जाना। क्यों? क्योंकि वीडियो बना रहे, वीडियो बना रहे तो थोड़ा सा एनिमेट होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको एनिमेट कर रही हूँ। ये देखो, ये सिर्फ लोगों को कर रही हूँ, लोगों को चेक करो, लोगों को ये कर देती हूँ, सेम इस लोगों को भी यही कर देती हूँ, इस लोगों को भी यही कर देती हूँ और इसको भी यही। और ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी आप लोग कर सकते हो एनिम इफेक्ट्स लगा सकते हो। तो इफेक्ट्स में ये मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ, ऐसा लिख के आए, तो ये एक इफेक्ट्स वर्डप्रेस को लगा दिया, ये लगा दिया ग्राफिक्स को, सेम इफेक्ट्स, अलग अलग नहीं लगा रही हूँ,
सेम ही लगा रही हूँ, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, अलग अलग लगाते हो, वो अच्छा नहीं दिखता। और ये हो गया इसको। अब सर्विसेज तो सारी हो गई, सर्विसेज के बाद क्या होता है, लोगो हो गया, लोगो के बाद क्या होता है, वेबसाइट। तो बेटा वेबसाइट डालते समय हमेशा वेबसाइट राइट साइड के कॉर्नर में होनी चाहिए, राइट साइड के कॉर्नर में। जैसे कि www. क्या था, वेब, वेब, वेबडेव डॉट इन, छोटा, पकड़ो इसको, यहां से नहीं आ रहा। ओ ये आ गया, वेबसाइट, ये हो गया। इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को डालना है, सो लिखो स्लाइड नंबर थर्ड। स्लाइड नंबर थर्ड, तो थर्ड वाले स्लाइड में आप लोगों को डालना है लोगो। पहला तो आएगा लोगो, सेकेंड वेबसाइट, और थर्ड अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा का मटेरियल डालना है, जैसे कि आप कुछ ऑफर दे रहे हो, वेबसाइट डेवलपमेंट एट 3500 या 4000, ऐसा कुछ बता रहे हो, कुछ ब्रांड प्रमोटिंग कर रहे हो, तो वो भी डाल सकते हो। तो थर्ड पॉइंट लिख लो, ब्रांड प्रमोटिंग, ब्रांड प्रमोशन, अदरवाइज ऑफर्स, अदरवाइज प्राइजिंग, सब लिखो। ठीक है, तो अभी सुनो ये कैसा करते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रांड प्रमोटिंग करना चाहती हूँ, बट ये इमेज सुटेबल नहीं है। ओ हट गया वो, ये इमेज, पीछे की इमेज, पीछे का वीडियो है, वीडियो नहीं चाहिए मुझे। सेम कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो सबसे पहले तो वही टास्क होता है कि कलर चेंज कर लो। इसका कलर मैं वाइट कर देती हूँ ताकि वो अच्छा दिखे। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको इमेज डालनी है, डाल दो। एलिमेंट्स में जाओ, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कोई एक इमेज सर्च कर लो, या आईटी रिलेटेड जो भी इमेज है वो सर्च कर लो, फ्री तो मिले, मिलने से रही, देख लेंगे। कोई भी एक इमेज चाहिए मुझे। और थोड़ी ना इमेज भी डालते हो ना, बैकग्राउंड रिमूव करके डाला करो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एज इट इज इमेज डाल रहे, मतलब डब्बा का डब्बा। तो बेटा वैसा मत करो, थोड़ा तो सोचो, जो इमेज आप लोग डाल रहे हो थोड़ा रिलेटेड डालो, और कैसा कि रिमूव करके डालो। जैसे ये इमेज डाल देती हूँ मैं बैकग्राउंड में, यस आ गई। अब इसके बाद क्या चाहिए, अपना लोगो चाहिए। वही एक काम करो, पीछे स्लाइड में जाओ, ये जो लोगो है इसको कॉपी करो और अपने स्लाइड पे आओ और लोगो को पेस्ट कर दो। लोगो दिखेगा नहीं, तो यस लोगो को दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लोगो को ऐसा पेस्ट करके रख देती हूँ। अब मुझे वेबसाइट चाहिए, तो क्या करो, पिछले स्लाइड में जाओ, ये वेबसाइट है इसको कॉपी करो, नेक्स्ट स्लाइड पे आओ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ये आ गई वेबसाइट। बट वेबसाइट कैसी, हाईलाइट होनी चाहिए। हाईलाइट कैसी होती है, इफेक्ट्स में जाओ, इफेक्ट्स में जाने के बाद बैकग्राउंड में जाओ, किसी का माइक ऑन है, बैकग्राउंड में उसका कलर चेंज कर दो, नहीं कलर चेंज कर दो, गलत, कलर चेंज। ये होगी मेरी वेबसाइट हाईलाइट। अब मैंने क्या बोला था, ब्रांड प्रमोटिंग होनी चाहिए, या अगर आप कुछ ऑफर दे रहे हो तो वो होना चाहिए। तो मैं जैसे अपने इसमें, या आस्था कुछ ऑफर देना चाहती है तो उसका ऑफर मैं लिख लेती हूँ,
जो भी ऑफर देना चाहती है आस्था, जैसे तुम लोगों को नहीं बोला था 45 डेज इंटर्नशिप, ठीक है, तो वैसा ही वैसा कुछ देना चाहते हैं। सो ऑल नहीं, वेब डेवलप, आईटी सर्विसेज एट रुपीस कितना, 5000? 5000 में देते हैं, 5000, ठीक है। ऑल आईटी सर्विसेज एट रुपीस, ऑल आईटी सर्विसेज रुपीस एट 5000। तो ऐसा इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, बट यस, ये जो रुपीस होते हैं ना, रुपीस, डेट, ये ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए, नहीं तो बस हम लोग वही छोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग हाईलाइट करने के लिए वही इफेक्ट्स में जाओ, इफेक्ट्स में थोड़ा सा इसको क्या कर दो, हाईलाइट। हाईलाइट के लिए कलर भी थोड़े प्रॉपर यूज़ करो, जो कि रिलेटेड आपके दिखने चाहिए। ये हो गया, इसको बोल्ड, इसको थोड़ा सा और बड़ा 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 बड़ा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे ये बटन है, इसको हटा देते हैं। इतना छोटा कंटेंट अगर डालना है तो डालो, नहीं तो फिर और कुछ उसमें मैटर डाल सकते हो, मैं फिलहाल नहीं डाल रही हूँ। समझ में आया इतना? समझा क्या? लास्ट स्लाइड। तो हमेशा जितनी भी स्लाइड बनाओ, बट उसके लास्ट स्लाइड में, लास्ट स्लाइड अपनी फोर्थ स्लाइड है, तो फोर्थ वाले स्लाइड में क्या आना चाहिए, सुनो, फोर्थ वाले स्लाइड में आना चाहिए, फोर्थ स्लाइड या लास्ट स्लाइड, उसमें आना चाहिए लोगो, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ नहीं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही ऐड की है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं किया है मैंने, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आप लोगों को लिखवा के दी है, वही सिर्फ ऐड की है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, करना मतलब क्या, एक जो है सॉन्ग डाल देना, अच्छा वाला, अच्छा वाला सॉन्ग, मतलब यहाँ पे जाना, नीचे में स्क्रोल, ऐप में जाना, ऐप्स में आपको म्यूजिक मिल जाएगा, थोड़ा नीचे स्क्रोल कर लो, ऑडियो, ऑडियो ऐप्स में आपको ऑडियो मिल जाएगा, ऑडियो जो फ्री वाले हैं वो लो, नहीं है यहाँ पे तो आप लोगों को बाहर से डाउनलोड करना पड़ेगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, एक भी नहीं है क्या, एक दो तो रहते फ्री, हैप्पी एडवर्टाइजमेंट, यस, ये एडवर्टाइजमेंट वाला एक एक दो फ्री है, ये चेक करना, यहाँ पे सब कुछ दिया है। एडवर्टाइजमेंट वाला मैं सॉन्ग ले लेती हूँ, इसको ऐड कर दिया, तो जितना आपका वीडियो है उतना सॉन्ग फिट हो जाएगा। अब इसको एक बार चला के देखते हैं, बट कर्सर को स्टार्टिंग में लाके रखो, प्ले, समझा? हाँ, तो अभी अगर आपको इसको एनिमेशन लगाना है, सो आप उसको क्लिक करोगे और इफेक्ट्स में ये जो एनिमेट जो है, इसको भी एनिमेशन आप लगा सकते हो। जो एनिमेशन थे मैंने वही रखे हैं, बट आपको अगर चेंज करना है तो कर सकते हो। अब क्या करना है, अब आप लोगों को शेयर पे जाना है, शेयर के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, डाउनलोड पे जाना है और MP4 में ही आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, सिलेक्ट पेजेस, मतलब जितने पेज है मुझे उतने चाहिए या नहीं चाहिए, यस मुझे उतने ही चाहिए, एंड देन डाउनलोड। क्लियर है सबको? तो सबसे पहले ये मैं सेंड करती हूँ, तब तक सबसे पहले आप लोग अपने इसमें लैपटॉप में वीडियो का ऑप्शन सिलेक्ट करो, चलो करो।
वीडियो का ऑप्शन सिलेक्ट करो। अब नेक्स्ट देखते, इसको क्लोज मत करो, ये जो वीडियो का टैब ओपन है ना उसको क्लोज मत करो, वैसे ही रहने दो। अब नेक्स्ट बता रही हूँ, सुनो। नेक्स्ट GF लिखो कॉपी में। GIF। अब GIF कैसे बनाते हैं वो देखो, GIF कैसे बनाते हैं देख लो। आप इंस्टाग्राम पोस्ट में GIF बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऐसे सर्च करोगे GIF करके तो GIF कोई ऐसा आप लोगों को पर्टिकुलर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसीलिए आपको इंस्टाग्राम पोस्ट ही सिलेक्ट करनी है। सो सिलेक्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, इधर लिख के रख दो नहीं तो और बोलोगे कि कैसा आया। सिलेक्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, सिलेक्ट इंस्टाग्राम पोस्ट। तो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट सिलेक्ट, तो इसके बाद आपको सर्विस रिलेटेड कोई एक इमेज बनानी है तो वो ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कैसे, और उसका एक आप लोग GIF बना सकते हो। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी जो बना है मैं उसको ही ले रही हूँ। मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़ाया था कैसे बनाते हैं, तो बस मैंने उसी को ही ले लिया है। बट इसके ये जो वाटर मार्क है उसको हम लोग हटा देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। जो वाटर मार्क है, वाटर मार्क चीज़ नहीं चाहिए, उसकी जगह पे हम लोग बैकग्राउंड डाल देते हैं एक अच्छा सा। ये हो गया बैकग्राउंड, ये भी कैनवा की वाटर मार्क वाली इमेज है, अच्छे से देखो, तुम लोग वैसे के वैसे ही रहने देते हो उसको, इसको भी हटा दो। बस उसकी जगह पे आपको क्या करना है, फिर से मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ मैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है वो डालना है तो ठीक है, या वेबसाइट डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग जो भी है इसके भी रिलेटेड करना है आप वैसा कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड इमेज ये दिख रही है, ये लगभग वैसी ही है, इसको ले लेते हैं इधर। और ना जो इमेज डालते हो प्लीज़ उसका बैकग्राउंड रिमूव करके डालो, डब्बे समान मत डालो क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है। फिर मैं इसके जगह पे लोगो डाल देती हूँ, जो लोगो मेरे पास है, ये आ गया इसका लोगो इधर, हाँ इसको थोड़ा एडजस्ट, ये प्रीमियम हटाना है तो उसको भी हटा सकते हैं, इसको ऐसा कर दो तो वो प्रीमियम हट जाएगा, ये ऐसा, ये आ गया लोगो। लोगो भी ना डब्बे समान मत डाला करो, कौन आ रहा है रे, लोगो भी डब्बे समान मत डाला करो, तुम लोग एज इट इज डाल देते हो। उससे अच्छा फ्रेम ले लो, एलिमेंट्स में जाओ, वहाँ पे फ्रेम का ऑप्शन है, फ्रेम ले लो और फ्रेम में जो भी लोगो है आप लोगों को लगता है वो डाल दो। तुम लोग क्या करते हो, पूरा डब्बा 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 सब जगह डब्बे डब्बे करके रख देते हो, तुम लोगों को अच्छा लगता क्या पता नहीं, डब्बे डब्बे। ये हो गया ये लोगो, इसको थोड़ा छोटा छोटा, ये इधर इनका जो भी लोगो है हटा दिया मैंने और ये लोगो इधर डाल दिया, ग्रोइंग योर बिजनेस, यस ठीक है, ये टैगलाइन। अब यहाँ पे डाल देते हैं IT सर्विसेस एजेंसी, ऐसा ही रख देते हैं, ये जैसा है वैसे। अवर सर्विसेस वही डिजिटल मार्केटिंग तो है, लोगो डिज़ाइन,
सिर्फ चेंज करके बता रही हूँ क्योंकि मुझे GIF बना के दिखाना है। वेब डेवलपमेंट की जगह पे मैं कर देती हूँ वर्डप्रेस डेवलपमेंट। वर्डप्रेस ज़्यादा पता है क्या, किसी भी चीज़ को ना एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारे पास एडिट किया हुआ कंटेंट है, टेम्पलेट है, और तुम लोग क्या करते हो उसमें और एडिट करते हो, तो डिज़ाइन ढंग का बनेगा क्या? नहीं बनता है। तो इसलिए ना ज़्यादा भी एडिटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जॉइन अस नाउ टू बूस्ट योर बिजनेस, ये ठीक है। लर्न मोर, यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल दो www.ps, जो भी तुम्हारी डोमेन नेम होगा, pskidservices.com। अब मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर भी डाल के रख देते हैं। तो एक टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। मोबाइल नंबर ऐसी जगह पे डालो जहाँ पे वो हाईलाइट हो। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 9970141466, बट ऐसी भी किसी भी जगह पे नहीं जहाँ पे ज़्यादा ही हाईलाइट होता है। एक तो करते हो तो ज़्यादा ही हाईलाइट करते हो, नहीं तो कुछ नहीं करते हो, ऐसा है तुम लोगों का। तो थोड़ा सा डिज़ाइन के ऊपर फोकस करो। गर्ल्स भी नहीं कर रही है, पता नहीं क्या है। तो गर्ल्स का, बॉयज़ का तो भी डिज़ाइन अच्छा है, गर्ल्स का तो एकदम ही मतलब किधर क्या जाता है, किधर क्या जाता है, कहाँ के कंटेंट किधर डाल देते हो, ऐसा चल रहा है। कलर कॉम्बिनेशन वो भी कोई ढंग का नहीं है। चलो ये मैंने एक इमेज बना ली, देखो कितना टाइम लगा है एक इमेज बनाने के लिए, सिर्फ एडिट किया कितना टाइम लगा, 10 मिनट, 5 मिनट, तुम लोगों को लगेगा 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, 1 घंटे की तो इमेज बनाई नहीं मैंने, सिर्फ एडिट किया है। अब उसमें भी आप क्या करते हो वो सुनो, ये हटाएंगे हम लोग, ये इधर उधर शिफ्ट करेंगे, ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इतना तामझाम क्यों करना अगर ऑलरेडी डिज़ाइन दिया गया है तो, ठीक है। तो इतना भी नहीं करना, लोगों दिख नहीं रहा कह रहे, हाँ ठीक है। अब ये हो गया डिज़ाइन, इसको मुझे GIF में कन्वर्ट करना है। तो GIF में कैसे कन्वर्ट करना है अच्छे से सुनो, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने के बाद GIF में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जाएगा तो सिर्फ इमेज जाएंगी, डाउनलोड करूँगी तो इमेज जाएंगी, बट GIF में कैसे आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसे ऐड होते हुए दिखती है, कुछ अट्रैक्टिव दिखता है, तो वो कैसे बनाना है। तो करना क्या है, जैसे कि ये लोगो है, इस पे ये एनिमेट का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है क्या? ठीक है, तुम लोग पता है क्या, माइक ऑन ना करते हुए अगर कैमरे में भी थम्सअप दिखा दिया तो भी चलेगा, मुझे थम्सअप भेजते तो बहुत ही भेजते हो। एनिमेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शंस है कि लोगो कैसा आना चाहिए। तो लोगो कैसा आना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए लोगो कि इस तरीके से वो दिखे जूम से, अब फेड से, अब उसके बाद वो हो गया, उसको लगा दिया एनिमेट। अब ये जो आप लोगों ने सर्विसेज लिखी है इसको भी मुझे कुछ अलग तरीके से चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि टाइप 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 करके आए। कैसा, एनिमेट पे जाओ, टाइप टाइप करने वाला ऑप्शन कौन सा है वो चेक करो, टाइप 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 ये वाला, ये आ गया, इसको लगा दिया। सर्विसेस को भी लगाते हैं, ये देखो आ गया, इसको भी लग गया। एजेंसी को भी लगा देते हैं, एजेंसी की भी लग गया, हो गया आईटी सर्विसेज एजेंसी, एजेंसी को लग गया। अब ये होने के बाद ये जो मोबाइल नंबर है इसको भी थोड़ा सा अलग से चाहती हूँ मैं, तो इसको भी एनिमेट करके देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। यस, ये ऐसा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारी जो सर्विसेस है, सर्विसेस को एनिमेट लगाना है तो मैं एक साथ पहले उसको सिलेक्ट करती हूँ। एक साथ सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होता है शिफ्ट, शिफ्ट दबाओ और टिक 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 करो, उसको पहले ग्रुप कर दो, मतलब एक साथ वो सर्विसेस ऐसे दिखनी चाहिए, एक साथ सर्विसेज को एनिमेशन लगना चाहिए। तो अभी देखते हैं ये अच्छा दिख रहा है क्या, नहीं, ये अच्छा दिख रहा है क्या, नहीं, ये नहीं, ये ठीक है, नहीं 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 ये ठीक है, ठीक है ये लग गया। अब उसके बाद और किसी को ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो जितने टेक से लगा दिया एनिमेशन इतना भी मत करो, नहीं करते हो
अगर मैंने बोल दिया एक को एनिमेशन करना है तो कर दिया, जितना टेक्स्ट उसमें दिख रहा है ना सबको एनिमेशन लगा देते। तो बेटा इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है एक इमेज, इसको भी एनिमेशन लगा सकते हो, बट ये जो इमेज है इसको ना थोड़ा फ्लिप करके देखती हूँ। तो फ्लिप करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, फ्लिप हॉरिजेंटल या फ्लिप वर्टिकल। ऐसा वर्टिकल तो नहीं करेंगे हम लोग, बट यस हॉरिजेंटल कर लेंगे। यस, ये इमेज इस तरीके पे शिफ्ट हो गई। अब लगाते इसको एनिमेशन। तो एनिमेशन देखते कौन सा अच्छा लगेगा। गोल घुमाओ इसको, नहीं इतना भी नहीं। अरे बाप रे, हाँ ये ठीक है, ठीक है हो गया। तो मैंने सिर्फ क्या किया है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई नॉर्मल तरीके से, ठीक है, टेम्पलेट्स लेके और उस पर एनिमेशन लगा दिया। अब एनिमेशन लगाने के बाद आप बोलोगे कि म्यूजिक भी ऐड करनी है, ये नहीं, ठीक है। अब इस पे शेयर पे क्लिक करना, शेयर पे क्लिक करते समय यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना। डाउनलोड पे MP4 नहीं करना, MP4 वीडियो करोगे तो वीडियो फॉर्मेट में आएगा, जैस जो कि अपने को नहीं चाहिए, अपने को GIF चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना, सिलेक्ट करना, और यहाँ पे ये देखो GIF का ऑप्शन है, सिलेक्ट GIF ऑप्शन, क्लिक एंड देन डाउनलोड। अच्छा ये प्रो वर्जन का है क्या, ठीक है हटा देते हैं हम लोग। ये क्या, इसको पहले अनग्रुप, गोले गोले है गोले, लो नहीं चाहिए तुम्हारा, तो मतलब इतना भी फ्री नहीं दे सकते है ना, हमको तो सारे ही फ्री चाहिए। हाँ इसको लगा देना अभी जो भी है, फिर से शेयर, फिर से डाउनलोड, GIF, अब कुछ है क्या, नहीं है, डाउनलोड। तो अभी आपका GIF डाउनलोड हो रहा है, बस इतना लिख के रख दो कि डाउनलोड में GIF डाउनलोड करना है, सिलेक्ट GIF, इतना लिख के रख दो कॉपी में, क्योंकि और इसमें भूल जाओगे तो हो सकता है, भूल सकते हो ना, कुछ भी हो सकता है। कितने लोगों को ऐप पता है, इनशॉट ऐप, इनशॉट मोबाइल में। अंकित, श्रुति, रिबिका, विशाली, हर्षा, कविता, अच्छा ठीक है, एक मिनट, जस्ट वन मिनट। सुनो, उसमें आप लोग अगर ये इमेज लोगे, ठीक है, उसमें आप लोग अगर ये इमेज लोगे और वहाँ पे आप लोग साउंड भी डाल सकते हो, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। मोबाइल में इनशॉट, इनशॉट करके एक ऐप आती है, वो ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, म्यूजिक डाल सकते हो, इंस्टाग्राम जैसा ही दिखता है। ये ठीक है, इनशॉट ऐप, तो ये ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ पे भी आप लोग जो भी इमेज होती है उसको सीक्वेंस में ला सकते हो और वहाँ से आप लोग GIF बना सकते हो, ठीक है, GIF बना सकते हो। जैसे कि मैं मेरी बात करूँ तो मेरा एक स्टेटस था कल का, देखा क्या पता नहीं, ठीक है, तो वो जो GIF बनाया है वो मैंने इनशॉट से ही बनाया था। मैं मोस्टली GIF जो होते हैं वो इनशॉट से ही बनाती हूँ, कुछ इमेजेस लेती हूँ और उसको इनशॉट में डाल के GIF बना लेती हूँ। तो आप भी लोग वैसा कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे साइज भी होता है, इंस्टाग्राम पोस्ट या इंस्टाग्राम रील,
स्टोरी, तो उस साइज के हिसाब से मैं वहां पे जीआईएफ बनाती हूँ। तो वो भी एक ऑप्शन है जीआईएफ बनाने का या वीडियो बनाने का। ठीक है, मैं रील भी वही से ही बनाती हूँ। क्लियर? क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें जो वाटर मार्क है वो फ्री में रिमूव होता है, इसे तो बेस्ट है ना। ठीक है, तो वो एक काम कर सकते हो आप लोग। तो ये सबको समझ में आया कि जीआईएफ कैसे बनाते हैं? ये मैं सेंड कर रही हूँ यस लोगों के ग्रुप में। ग्रुप देखो, जीआईएफ बन गया है। तुम लोग जब डाउनलोड करोगे तो समझ में आएगा जीआईएफ बन गया है। ठीक है, तो ये है। अब उसके बाद एक और बता देती हूँ, ये जीआईएफ हो गया। उसके बाद बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यस, बहुत सारी चीजें, बट इसको एक्सप्लोर तो करना है आपको। बट सबसे इम्पोर्टेंट कल क्या है बेटा? कल कौन सा डे है? संडे कौन सा डे है कल? वो तो पता रहेगा ना। संडे संडे। तो देखो, इस संडे को तो मैं ऑफ दे रही हूँ, बट आने वाला संडे शायद से ऑफ ना हो, क्योंकि तुम लोगों का सिलेबस मुझे 45 डेज में कवर करना है। तो इस संडे को आप लोगों को करना क्या है, घर में जाके ये जितना भी है वो सबको एक्सप्लोर करना है, और उसके रिलेटेड मुझे एटलीस्ट एक एक इमेज तो भी चाहिए। समझा? ये आप लोगों का टास्क। लिखो टास्क, लिखो टास्क। कौन सा टास्क है बता देती हूँ। कैनवा के हर एक ऑप्शन में जाके आपको चेक करना है, जिसमें एक एक बनाना है। तो किस पे बनाना है वो भी बता देती हूँ। फेसबुक पोस्ट लिखो, फेसबुक पोस्ट अपने बिजनेस के लिए बनाना। इंस्टाग्राम स्टोरी, लोगो तो बन गया। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत नहीं है, पोस्टर्स भी नहीं है, रिज्यूम मैं बता दूंगी, फ्लायर्स की भी जरूरत नहीं है। इनविटेशन, इसमें आप लोग मॉर्निंग थॉट, फेस्टिवल्स, ये सारी इमेज बना सकते हो। देन इन्फोग्राफिक्स, अब ये इन्फोग्राफिक्स क्या है वो बता देती हूँ, बाकी तो इजी है। सुनो, इन्फोग्राफिक्स। सो इन्फोग्राफिक्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करती हूँ, तो इन्फोग्राफिक्स में आप लोगों को ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन मिलती है वन इमेज में, और इमेज का साइज भी थोड़ा चेंज है। ठीक है, जो उसकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो अब वो कैसे डालते हैं वो भी बता देती हूँ। थोड़ा सा हेडिंग डालो इन्फोग्राफिक्स, क्योंकि ये बनाना है आप लोगों को। हाँ, इसके ऊपर एक 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 इमेज मुझे चाहिए संडे तक। तो जैसे कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है आप लोगों की जो सर्विसेज है, चलो उसके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लो जो फ्री में अवेलेबल है। फ्री में बहुत सारा दिख रहा है, बहुत ही सारा दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो मैं ये एक कोई टेम्पलेट ले रही हूँ, ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, इसको बड़ा कर देते हैं। तो इन्फोग्राफिक्स में क्या डालना वो भी सुन लो। इन्फोग्राफिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट तो लोगो डालना। लिखो फर्स्ट लोगो, सेकंड वेबसाइट, एंड थर्ड मोबाइल नंबर।
फोर्थ सर्विसेस, टीम ये लोग लिख रहे या नहीं लिख रहे देखो, चेक करो, घूमो, कुछ लोग लिखते कुछ लोग नहीं लिखते, ठीक है। तो लोगो, वेबसाइट, मोबाइल नंबर एंड सर्विसेस। सो इन्फोग्राफिक्स मतलब ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देना। अपनी जितनी सर्विसेस है उसका वीडियो ना बनाते हुए अगर आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देनी है तो आप इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। लिसन, देखो, तो यहाँ पे मैंने ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट किया, देखो कितना बड़ा है। तो सबसे लास्ट में क्या डालना है आप लोगों को, जस्ट मैं डाल के बता देती हूँ एग्जाम्पल के लिए। सबसे लास्ट में आप लोगों को डालना है बॉटम में मोबाइल नंबर एंड वेबसाइट, लिखो सबसे लास्ट में क्या डालना है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट अस 9970141466। इसको डिजाइन आप लोग अच्छे तरीके से कर ही सकते हो। एंड सेकेंड चीज क्या थी, अपनी वेबसाइट www.pskitservices.com, ये हो गया। इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे हम लोग, हाईलाइट करेंगे, कर लेना। अब ये होने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ, एंड टॉप ऑफ द पेज क्या डालना है आप लोगों को, लोगो लिखो, हम डालेंगे लोगो। देख किधर गया रे लोगो, अच्छा ये लोगो इधर आया, बहुत सारे लोगो हो गए। हाँ लोगो, इसको छोटा कर देते हैं, ऊपर ये लोगो डाल देते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आपके हाथ में है, ठीक है। अब ये रिमूव नहीं कर रही हूँ, वाटरमार्क वाली इमेज ऐसी रहने देती हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को मेन जो हेडिंग होती है वो डालनी है आप लोगों को, आवर सर्विसेज, जो आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। सो जिसके भी रिलेटेड आपको इन्फोग्राफिक्स बनानी है उसके रिलेटेड आप डाल सकते हो। जैसे कि आप लोग इन्फोग्राफिक्स बना रहे हेल्थ के लिए, हेल्थ टिप, ठीक है, हेल्थ टिप के लिए एक इन्फोग्राफिक बना रहे, तो उसमें लोगो डालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हेल्थ टिप का क्या, तो फिर एक इमेज हेल्थ के रिलेटेड डाल देना। तो हेल्थ टिप यहाँ पे लिख लेना, हेल्थ टिप्स। अब हेल्थ के रिलेटेड जो भी टिप्स है गूगल पे सर्च करना और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखते जाना। बट फिलहाल हम लोग अपनी सर्विसेज बताना चाहते हैं, तो टाइटल आएगा आवर सर्विसेस, आवर सर्विसेस, ओ सर्विसेस, ठीक है। ये मैंने टाइटल डाल दिया। टाइटल डालने के बाद यहाँ पे क्या करना, तो आवर सर्विसेस में जैसे आपकी वेब डेवलपमेंट रिलेटेड सर्विसेस, नहीं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सर्विस है, डिजिटल मार्केटिंग, तो सिर्फ क्या करना है यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग लिखना और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड यहाँ पे एक इमेज डाल देना। कहाँ जाओगे, एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स में क्या सर्च करोगे, डिजिटल मार्केटिंग, या आप लोग बाहर से भी ले सकते हो, मैं यही इमेज ले लेती हूँ, इसको करती हूँ थोड़ा छोटा। अब देखना मैंने ये इमेज लिया है ना, सब लोग यही इमेज लेंगे, मैं 100% श्योर हूँ, 100 and 101%। अब डिजिटल मार्केटिंग तो लिख लिया, डिजिटल मार्केटिंग की इमेज भी डाल दी, बट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको पता ही नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पीएसके जिंदाबाद, पीएसके के वेबसाइट पे चले जाओ, डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में दो चार लाइन तो मिल जाएंगे, नहीं तो गूगल बाबा तो है अपना, तो गूगल से भी आप लोग निकाल सकते हो। सो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड मुझे मिल गई इन्फॉर्मेशन कॉपी, एंड इस चार पांच लाइक की तो होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे डाल दूंगी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना जैसा लगता है आप लोगों को, थोड़ा सा फॉन्ट वॉन्ट, और ये हो गई डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन।
तो वैसे ही आप लोगों को आपने जो सर्विसेज ली की है उसकी इन्फॉर्मेशन डालते जानी है। जितनी आपको मैंने सर्विसेज बताई बस उतना ही करना है, बाकी अगर ये एक्स्ट्रा का आएगा तो रिमूव कर देना। समझा? समझा क्या सबको? अब इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड, सेमी डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड, बहुत सारे वाटर मार्क्स होंगे, बट इसको जो डाउनलोड करना है आप एक तो पीएनजी में कर सकते हो या पीडीएफ फॉर्मेट में कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि पीएनजी में करना है। पीएनजी लिखो, डाउनलोड इन्फोग्राफिक एज अ पीएनजी फॉर्मेट। पीएनजी फॉर्मेट में करना है आपको। ठीक है, एंड डाउनलोड कर देना। क्लियर? समझा क्या? ओके, तो ये बन गया आपका इन्फोग्राफिक्स। उसके बाद इन्फोग्राफिक्स मैंने बता दिया, अभी फेसबुक कवर पेज लिखो, फेसबुक कवर पेज। अब तुम लोगों ने कल अकाउंट तो बनाए, बहुत सारे लोगों ने, बहुत अच्छी बात है कि जो लोगो आपने यहाँ पे सीखा वही आपकी डीपी रखी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिससे आप लोगों का अभी प्रमोशन हो रहा है, ब्रांड प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। बट फेसबुक के पीछे में कवर होता है, कवर पेज पता है ना, बैकग्राउंड इमेज। तो आप लोग यहां से क्या करोगे, अपने ही फेसबुक के अकाउंट के लिए एक कवर पेज बनाओगे। अब वो कवर पेज आपके सर्विसेज रिलेटेड होना चाहिए, कैसा बनाना है बना लेना। समझा? ठीक है, तो अब मुझे बताओ कितने हो गए बेटा, कितने टास्क हो गए हैं? किसको पकड़ के? जीएफ को पकड़ के, वीडियो तो अभी बनाओगे, जीएफ को पकड़ के कितने टास्क हो गए? छः। छः गिन के बताओ मुझे कौन से कौन से। बोलो ना, क्या बोलो? आरी भी का बोलो। फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, इनविटेशन, इन्फोग्राफिक जी आप, और फेसबुक ठीक कवर है, पेज सबके और पास लिखे जीआईएफ। बेटा 6 टास्क। संडे है आपके पास, पूरा पूरा संडे है, और संडे क्या, सैटरडे भी आधा है ना, आधा। और बहुत सारे लोग क्या 12 12:30 बजे तक जगते हो क्या? हाँ, इतने लेट सोते हो, अच्छी बात है। अच्छा, तो 6 टास्क मुझे संडे के इवनिंग तक चाहिए। हो जाएंगे? हो जाएंगे पक्का? नहीं मतलब ऐसा फेस कर रहे यस मैम। हो, लग नहीं रहा शक्ल पे, ऐसे लग रहे 12 बजे है क्या? कविता, रुशाली, राश्री, आयशा, भूषण। ये अनिरुद्ध का फेस दिखाओ तो, कौन है अनिरुद्ध दिखाओ, इसके दर्शन करवाओ आज। अच्छा, हाँ ना, मतलब पता ही नहीं। अगर रास्ते में मुझे ये मिल गया, ये बोलेगा अरे मैम मैं तो आपके बैच में हूँ, अनिरुद्ध, बोलूंगी काम कभी देखा ही नहीं मैंने। बराबर, और कौन है जो फेस नहीं दिखा रहा? उमंग, क्यों कैमरा ऑफ है बेटा? पीएसके वाले कैसे कैमरा ऑफ कर सकते हो? हाँ ठीक है, ठीक है, इतने 6 टास्क मुझे संडे तक चाहिए सबके। और दूसरी बात, रिज्यूम और कस्टम साइज, ये मैंने नहीं बताया आप लोगों को। रिज्यूम एंड कस्टम साइज, कस्टम साइज मतलब क्या होता है, जब हम लोग वर्डप्रेस पढ़ेंगे उसमें आपको बैकग्राउंड में इमेज डालनी है,
या जो भी इमेज डालनी है, अब उनके साइज के हिसाब से इमेज डालनी है, तो तब मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कैनवा से कस्टमाइज इमेज कैसे बनाते हैं। क्लियर? तो ये मत समझो कि कैनवा खत्म, जब जब उसकी वर्डप्रेस में जरूरत रहेगी तब तब मैं बताऊंगी, बट इतने टास्क तो आपको करने हैं। दूसरी बात, आपका सेशन जब एंड होगा, एंड 45 डेज जितने भी होंगे, वो जब सेशन आपका एंड होगा, आप उतने एबल बन जाओगे कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो मैं क्रिएट डिज़ाइन से आपको खुद का रिज्यूम बनाना सिखाऊंगी। समझा? जो अभी तक आपने बनाया है रिज्यूम, रिज्यूम किसी ने बनाया है पीएसके को छोड़ के? रिज्यूम जेडी कौन है रे? अच्छा, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ सेशन मैं सबको सिखाऊंगी कि रिज्यूम कैसे बनाते, प्रोफेशनल तरीके से रिज्यूम कैसे लिखा जाता है। रिज्यूम और बायोडाटा में डिफरेंस है, पता है ना? बायोडाटा क्या होता है? हाँ अरविंद, अच्छा फिर रिज्यूम क्या होता है? इनफॉरमेशन। फिर दोनों तो सेम होना चाहिए? वही नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। हाँ क्यों अलग अलग नाम दिए फालतू के? हाँ कौन बता सकता है? बट रिज्यूम प्रोफेशनल तरीके से होता है और बायोडाटा ऐसे जिसको फंसाना होता है शादी के लिए, जिसको फंसाना होता है उसको हम लोग बायोडाटा थमा देते हैं, और अगर हम लोगों को जॉब करनी है तो हम लोग सच्चाई लिखते हैं। बराबर? यही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बट बायोडाटा में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मोस्टली उसके लिए यूज होता है, बट रिज्यूम में सीवी में ऑल अबाउट क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस, वो सब कुछ लिखा जाता है। बायोडाटा में इतने लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है? तो ये रिज्यूम कैसे लिखते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट जब आपका सेशन पूरा एंड हो जाएगा, वर्डप्रेस ख़त्म हो जाएगा, तब बताऊंगी। और वही रिज्यूम के तरीके से मैं आप लोगों को अपने डोमेन पे कैसे प्रोफाइल बनाया जाता है, वेट दिखा देती हूँ। रिया का क्या? हाँ ये देखो, जो रिज्यूम आप लोग वो कॉपी में निकालते हो ना, उसको आप लोग अपने डोमेन नेम पे डाल सकते हो, जिसमें आप लोगों को सब कुछ मिल जाता है, आपके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपके क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, जो भी आप लोग लिखते हो, डिग्री आपने क्या कंप्लीट की है, क्या नहीं कंप्लीट की है, फिर उसके बाद कितने प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, कौन सी स्किल्स आपके पास है, ऑल अबाउट रिज्यूम में यही होता है। फिर उसके बाद ये समरी कि आपने क्या किया है, करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशन क्या हुआ है, कैसा आपने आपको कितना एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ लिख सकते हो। देन उसके बाद आता है पोर्टफोलियो, ये जो इसका पोर्टफोलियो आप लोगों को दिख रहा है, ये उसने प्रोजेक्ट किए हैं, कुछ पीएसके में किए हैं, कुछ अदर इससे किए हैं, तो ये सारा आप लोगों को यहाँ पे डेटा मिल जाता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लिंक ओपन हो जाएगी प्रोजेक्ट की, उसकी देखो ये प्रोजेक्ट उसने किया था, मतलब एक पैनल पे मल्टीपल प्रोजेक्ट डाल के आप ये सारा डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो लोगों को मतलब आप जब रिज्यूम सॉरी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको हमेशा लैपटॉप लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद का डोमेन नेम बता दो, वो सारा प्रोजेक्ट सारा प्रोफाइल आपका चेक कर सकते हैं। समझ में आया? समझा क्या? तो यही मैं सबसे लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। क्यों लास्ट में? क्योंकि लास्ट में आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, प्रोजेक्ट बनेगा तो आपका रिज्यूम भी बन जाएगा। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में बताऊंगी सब कुछ होने के बाद। ओके, तो
अभी आप लोगों को जो टास्क दिया है, एक बच्चा है बट मैं अभी नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि सर के ऊपर से चला जाएगा, मंडे को बताएंगे, बताऊंगी वो। तो जितने भी टास्क है वो आपको कंप्लीट करने हैं संडे तक, और एटलीस्ट 1 बजे तक वीडियो बना लेना, ठीक है, चलेगा? 1 बजे तक एटलीस्ट वीडियो बना लेना सब लोग, ठीक है? टीम इनको हेल्प करना, 1 बजे तक एटलीस्ट वीडियो बनना चाहिए। अगर किसी का नहीं बना तो ठीक है, बट ट्राई करो, 1 बजे तक का टाइम है। बाकी सारे टास्क आप लोगों को करके लाना है, ठीक है? Yes, और एक बात, जो फर्स्ट पेज है उस पे आपको लिखना भी है, पता है ना, डे 3 का लिखो, डे 3 डे 3 क्रिएट वीडियो यूजिंग कैनवा, क्या हो गया और रिपीट, अच्छा डे 4 आज की डेट 10/6 क्रिएट वीडियो यूजिंग कैनवा, सेकंड क्रिएट GIF यूजिंग कैनवा, थर्ड क्रिएट इन्फोग्राफिक्स यूजिंग कैनवा, टास्क टास्क में लिखो वीडियो GIF इन्फोग्राफिक्स वीडियो GIF इन्फोग्राफिक्स इंस्टाग्राम स्टोरी ना, इंस्टाग्राम स्टोरी फेसबुक कवर पेज एंड फेसबुक पोस्ट, कुछ छूटा है? इनविटेशन, इनविटेशन बस। ये मुझे कब तक चाहिए? संडे, समझा? क्लियर है क्या सबको? ठीक है, तो टीम इंटरव्यू का वीडियो बनना चाहिए 1 बजे तक, कोशिश करो, ठीक है? बाकी का हम लोग मंडे को देखेंगे, ओके? अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर मंडे को, बाय, टेक केयर।